ये तो हम सबको पता है कि ड्राइवर्स डीआरएस खोल देते हैं स्ट्रेट पे तेज जाने के लिए बट क्यों ना इस डीआरएस को पूरे लैप के लिए खोल दिया जाए ताकि ड्राइवर्स और तेज जाए ये एक्चुअली इलीगल नहीं डेंजरस भी है सेम जो मार्कस एडिक्सन के साथ हुआ था 2018 हजार अठारह के मोजा ग्राउंड्री के अंदर लेट मी एक्सप्लेन एक फॉर्मन गाड़ी के दो सेंटर्स होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर या एरोडायनामिक बैलेंस फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल के डाउन फोर्स का बैलेंस होता है यह बैलेंस मैनेज कर सकते हैं टीम्स फ्रंट विंग और रियर विंग से अगर सेंटर ऑफ प्रेशर आगे की तरफ हो जाएगा यानी कि फ्रंट विंग पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा तो उस कंडीशन में कहते हैं ओवर स्टेयर बिकॉज स्टेयरिंग हैपेंस फॉर द फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल पर ग्रिप कम हो जाएगी हेंस गाड़ी अनस्टेबल हो जाएगी बहुत पॉइंटी हो जाएगी एंड अगर उल्टा होता है सेंटर ऑफ प्रेशर पीछे की तरफ आ जाएगा यानी कि रियर विंग पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा फ्रंट विंग पे कम हेंस फ्रंट की ग्रिप कम हो जाएगी जिससे जिसके कारण गाड़ी अंडर स्टेयर में चली जाएगी ज्यादा मोड़ने के बाद भी गाड़ी कम उड़ेगी स्ट्रेट ट्रेन में जाते हुए डीआईए खोलना तो बहुत अच्छी चीज है बट अगर कॉर्नर में जाते हुए अगर डीआरएस खोला रह गया तो सेंटर ऑफ प्रेशर आगे की तरफ हो जाएगा गाड़ी बहुत पॉइंटी हो जाएगी थोड़े से भी टर्निंग एंगल से लैटरल फोर्स ज्यादा लग जाएगा गाड़ी स्पिन हो जाएगी और दीवारें भिट जाएगी हेंस ड्राइवर्स डीआरएस को बहुत समल के यूज करते हैं फॉर मोस्ट ए फॉर्मला मेन प्लीज फॉल माई चैनल